नमस्कार, स्वागत है आप सबका परीक्षा प्रश्न की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भाग है तत्सम तद्भव। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें तत्सम तद्भव से जुड़े शब्द जरूर आते हैं। अब आप बच्चे ध्यान रखिएगा, ये चीज होती क्या है। जो तत्सम होता है इसका मतलब है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, और जो तद्भव होता है जिसका मतलब है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। ये क्यों ऐसा होता है ये तो आपको तब बताएंगे जब आप इसकी क्लास में पढ़ेंगे। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि ऐसे आए हुए प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर आपने इस वीडियो को, इस क्लास को मन से पढ़ लिया, सुन लिया, तो भविष्य में तत्सम तद्भव संबंधी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तत्सम शब्द क्या होता है और कैसे इसकी पहचान होती है। तो ध्यान रखिएगा, शब्द आपका है तत्सम। मैं इस तत्सम शब्द की आपको पहले बता देता हूं पहचान, के कैसे आप इन शब्दों को पहचान लेंगे कि अगला तत्सम है या तद्भव। अब बहुत ध्यान से, एकाग्र मन से इसको देखिएगा। एक बार आपने पढ़ लिया, आपके तत्सम तद्भव की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे बहुत आराम से, रि अंग आह से बने शब्द, से बने शब्द तत्सम होते हैं। इसको आप अपनी डायरी पे नोट कर लीजिएगा। क्या हमने लिखा है कि रि अंग आह से बने शब्द तत्सम होते हैं। अब देखिए, इनसे बने शब्द क्या होंगे बेटा, तत्सम होंगे। जैसे अगर उदाहरण आपको दिया जाए, जैसे लिखा जाए, कहीं लिखा हो ऋषि या लिखा है कृषि, कहीं लिखा है मृग, कहीं लिखा है गंगा, या आपका लिखा है प्रातः। ये सभी शब्द क्या है, सभी तत्सम की श्रेणी में आएंगे। यानी जिन शब्दों में इन स्वरों का इस्तेमाल किया गया हो वे शब्द तत्सम होते हैं। दूसरा आते हैं, दूसरी इसकी क्या पहचान है, अंगा, एक काखा गाघा अंगा होता है, या एक चाचा जाजा या होता है, रा एक टाठा डाढ़ा आहो रा होता है, से बने शब्द, से बने शब्द तत्सम होते हैं। से बने शब्द क्या होता है, तत्सम होते हैं। यानी जिन शब्दों में आपको अंगा या अड़ा का इस्तेमाल मिल जाए, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द तत्सम होते हैं। जैसे कहीं लिखा होगा पंकज, लिखा है संचय, लिखा है पुण्य, ये सभी क्या हो जाएंगे, शब्द तत्सम की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं, इसी प्रकार से अगला रूप क्या आ जाएगा आपका, छात्र, श्रा, ज्ञा, से बने शब्द, से बने शब्द तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जिन शब्दों के निर्माण में छाए, त्राए, श्राए, ज्ञाए, ऐसे शब्द बच्चे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, पक्ष, उसके बाद जाएगा पत्र, फिर आपका आ जाएगा श्रद्धा, उसके बाद आ जाएगा ज्ञान, ये सभी क्या है, तत्सम की श्रेणी में आते हैं। तो फिर से ध्यान रखिएगा, री अंग आके से बने शब्द, अंगा या अड़ा से बने शब्द, छात्रा ज्ञा श्रा से बने शब्द तत्सम होते हैं। इसके बाद क्या होता है, और ध्यान दीजिए, कुछ और आपको पहचान बता देते हैं। सभी संधियुक्त शब्द तत्सम होते हैं, सभी संधियुक्त शब्द, सभी संधियुक्त शब्द क्या होते हैं,
तत्सम होते हैं। जितनी भी आप संधियां पढ़ते हो, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, उसमें जो भी शब्द आते हैं सब क्या होते हैं बच्चे, तत्सम होते हैं। जैसे हमने लिखा विद्यालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। हमने लिखा राकेश, इसमें गुण संधि है। हमने लिखा प्रत्यक्ष, इसमें यण संधि है। यहां लिखा गया तदुपरांत, इसमें व्यंजन संधि है। और अगर लिखा है आपने निर्बल, इसमें विसर्ग संधि है। ये सभी शब्द क्या आ जाएंगे आपके, ये तत्सम की श्रेणी में आएंगे। और अंत में एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो आपका एक विशेष नोट करके उसे लिख लेना है। आपका नोट क्या है, ये नोट है प्रायः, प्रायः लिखने पढ़ने में कठिन लगने वाले शब्द, कठिन लगने वाले शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। यानी क्या ध्यान रखिएगा, प्रायः जो शब्द कैसे होते हैं, प्रायः वे शब्द, प्रायः वे शब्द जो लिखने में पढ़ने में थोड़ा कठिन लगते हैं उन्हें आप तत्सम कहते हो। इसका ये मतलब नहीं कि तुमको सब कठिन ही लगे अब वो तत्सम होते हैं। अब इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक आपका ये होता है शा और एक आपका होता है रेफ वाला रा। शा और रेफ वाला रा, इन पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों पर, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। इस शा से बने अधिकतम शब्द, इस शा से बने अधिकतम, लगभग हम कह सकते हैं कि 80% शब्द कैसे हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। इस शा के प्रयोग से बने शब्द कैसे हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। कोई भी चीज यहां पर आपने लिख दिया, जैसे आपने लिखा शिव या शंकर, इसमें 10% ऐसा शब्द हो सकता है कि वो आगत हो, वो अंग्रेजी भाषा का हो, यानी वो शब्द अंग्रेजी भाषा का हो। जैसे आपका आ गया स्टेशन, और 10% ऐसा हो सकता है कि वह शब्द फारसी भाषा का हो, फारसी भाषा का हो, जैसे आपका आ गया शर्म। तो इसीलिए सा का प्रयोग हमने वहां नहीं किया, क्यों, इससे बने मैक्सिमम शब्द जो है वो तत्सम ही होते हैं, बट अनिवार्य नहीं। अब पीछे जो चीज दिखाई गई वो आपका अनिवार्य है। इसमें भी यही हो सकता है कि इसमें भी 80% आपके शब्द जो है वो तत्सम की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे आपका कहीं आया कोई भी आपने लिखा कर्म, ये तत्सम शब्द है। 10% इसमें भी ऐसी गुंजाइश होती है वो शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया हो या अंग्रेजी का हो, जैसे आ जाए फॉर्म। और 10% ऐसा होता है कि हो सकता है वो शब्द फारसी भाषा का हो, जैसे आपका आ जाता है शर्म। शर्म फारसी शब्द है, हिंदी में उसको लज्जा कहते हैं। तत्सम की ये बड़ी पहचान है। और अब आगे आपको बताते हैं तद्भव को कैसे पहचानोगे। बेटा तद्भव को पहचानना भी बहुत ही सरल है। तद्भव शब्द को आप कैसे पहचानेंगे, इस तद्भव की भी पहचान लिख लीजिएगा। तद्भव की क्या पहचान है अब ध्यान दीजिएगा। तद्भव की पहली पहचान है चंद्र बिंदु से बने शब्द, चंद्र बिंदु से बने शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे। जिन शब्दों का निर्माण चंद्र बिंदु से आपने किया होगा उन शब्दों को तद्भव कहा जाएगा। जैसे आपका आ जाए आंख, या आ गया गांव, आंख बंद करके आप कहिएगा ये शब्द तद्भव ही हैं। इसी प्रकार अगर आपका आता है जैसे उच्छिप्त व्यंजन से बने शब्द, कैसे बने उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ये डाढ़ा लिखा है उच्छिप्त व्यंजन है, इससे अगर कोई शब्द बने हैं तो कैसे हो जाएंगे, वो तद्भव हो जाएंगे। इसका जैसे उदाहरण आ जाएगा आपका पेड़ हो गया, पढ़ाई हो गया, ये शब्द आपके तद्भव की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे,
इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा, अवधि और ब्रज भाषा के शब्द, अवधि और ब्रज भाषा के शब्द तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अगर आप इसे समझ लें, पढ़ लें और इनके कुछ खास खास बिंदुओं को नोट कर लें, तो तत्सम तद्भव वाली जो समस्या है, पता नहीं कौन तत्सम होगा कौन तद्भव होगा, वो समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे जो द्वित व्यंजन होते हैं, आधे अक्षर शब्द बनते हैं, तत्सम होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि वो आधे से बना तत्सम ही हो। आधे से तो हल्दी भी बना तो हरिद्रा होता है। तो इसी प्रकार तत्सम मंत्र शुद्ध वर्तनी के शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं और वो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपकी संक्षिप्त पहचान कि कैसे आप तत्सम तत्वों को पहचानेंगे। तो इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले बार में हम आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में बताएंगे कि कैसे उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।